हाँ जी सर, एक माँ के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां एक बेटा। हाँ जी, वो हर वक्त बेटे को डांटती रहती है, आप खाते नहीं हो, खाते नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं खाता। उस माँ को कैसे क्या समझाएंगे? मैं समझाऊं कि आप खुद समझाएंगे? उम्र कितनी है? 9 ईयर। बस सर, वो एक क्रिटिकल जोन में आ गया है, वो किसी भी वक्त उस एज पर आ सकता है जिसमें वो नाफरमान बन जाएगा। वो एक ना डोर की पतंग है जिसके धागे बिल्कुल हो, किसी वेले भी वो कट के डोर निकल जाएगी। जिस वक्त, और चार बहनें हैं ना घर में, उसकी गाइडेंस आप ही है ना, मेल मेल एक ही है ना जी। बच्चे की उम्र कितनी है? 9 ईयर। मैं कुछ थोड़ी सी खुल के बात कर लूं मीडिया के ऊपर, जिस बच्ची की सर उम्र है ना 8 साल, आप जो गलीज से गलीज फिल्म सोच सकते हैं ना, 90% इम्कान है कि आपकी बेटी ने वो देखी हुई है। बेटे की मामला है सर, मैं बेटी की बात कर रहा हूँ, बेटे की तो उससे भी बड़ी बात है। इस बात पर हम परेशान हो रहे हैं जिस हिसाब से ये मीडिया है। मैं आपके सामने अभी मोबाइल निकालता हूँ अपना, फेसबुक पे जो पहली रील होगी वहाँ एक लड़की, जो पहली वीडियो आएगी, जो भी रेंडम आएगी, उसमें एक लड़की बैठी होगी जिसने ऐसा लिबास पहना होगा कि जो लिबास बाजार में मिलता ही नहीं है, और वो ऐसी हरकतें कर रही होंगी जो आपकी मेरी माँ बहन बेटी कोई भी, वो उसको एक्चुअली कोई ना डिस्प्ले कर सकती है, ना देख सकती है, ना हजम कर सकती है। वो मोबाइल आपके बच्चे के पास है जी। वो 5 साल के बच्चे ने वो देख लिया है कि ये क्या है, मेरी बात समझ रहे हैं ना जी, जी। उस बच्चे के पास सफिशिएंट डाटा मौजूद, जो बात मैं अब खतरनाक करने लगा हूं, जब माँ उसको डांटेगी या बाप डांटेगा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, डांटेगा गलत बात पर, वो बच्चा कहेगा या अल्लाह मुझे कोई एक अब्बू जी और दे, या मुझे एक और अम्मी जी और दे, जो मुझे जो एक्चुअली अपना मुझे ना डांटे। तो मोबाइल में उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, एक 25 साल की लड़की की, वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। जो लड़का होगा ना, वो किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, और वो लड़का या किसी लड़के के साथ कर लेगा, वो लड़का उसको सिगरेट भी ला के देगा और उसको बहुत नए नए तजुर्बात सिखाएगा, जो तजुर्बात उसके सामने एक तिलिस्माती किस्म की ना लज्जत क्रिएट करेंगे, और वो उनको कहेगा असल में, सबकॉन्शियसली, असल में मेरे ये, वो गैप जो आपने मार मार के क्रिएट किया हुआ है उसमें एक लड़का या लड़की फिट हो जाएगी। और अब वो जिस तरह वायरस डीएनए अंदर चला जाता है तो रिप्लिकेट करना शुरू हो जाता है, अब उसका फिलॉसफी उसको करेगी। तो इसलिए बच्चे वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी लाइकिंग है, अपनी डिसलाइकिंग है, उसको उसमें चलने दीजिए। हाँ, सुपरवाइज कीजिए, गाइड कीजिए, और जब आपको लगे बंदा ड्रास्टिकली गलत है तो आप बिल्कुल ऐसे करें, आप जिस दफ्तर में मुलाजम हैं, आपका एक क्लर्क पकड़ गया है दराज में से पैसे चोरी करता हुआ, तो आप उस तरह उसको डील करें, आओ भाई, उसको शो कॉज नोटिस दें, उससे बात करें। आप चंडे तो नहीं मारने लग जाते, बताओ तुमने यूँ कैसे चोरी की, बेटा मुझे आप बताओ उसकी क्या उसकी गलती, क्यों और गू करें। हाँ, तो ये आप।